मणियाहू कोतवाली प्रांगण में ईद उल अजहा व कावरिया को लेकर शांति कमेटी की मीटिंग उप जिलाधिकारी मंगलेश दुबे व क्षेत्राधिकारी संत कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उप जिलाधिकारी मंगलेश दुबे ने चर्चा करते हुए कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर भी आने ही वाली है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन का दिशा निर्देश है कि सभी लोगों से यह अपील की जा रही है कि 5 की संख्या में मस्जिद में नमाज अदा करें, 20 लोग ईदगाह में नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, जिस पर सभी लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की। साफ सफाई नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार से कहा गया कि नगर में कहीं भी कूड़ा करकट न दिखाई दे और बकरा ईद के दिन कुर्बानी के लिए जानवरों से निकलने वाला मलबा को एक जगह डब्बे में एकत्रित करें, उसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत को दी गई है। बिजली विभाग के जेई मौजूद रहे, उनसे कहा गया कि लाइट रहना चाहिए जिससे त्योहार में लोगों को कोई परेशानी न आए। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के पदाधिकारी शाह आलम अंसारी, हाजी इफा फारूकी, अताउल्ला खां, गयासुद्दीन अंसारी, जलालुद्दीन अंसारी, डॉक्टर वकार अहमद अंसारी, मिराजुद्दीन कुरैशी, नूर अहमद, अब्बू युवा व्यापार मंडल के तहसील के अध्यक्ष राशिद हाशमी, धर्मेंद्र शेठ, प्रदीप कुमार जायसवाल, कंवल जीत गब्बर, सिराजुद्दीन अंसारी, तमाम लोग उपस्थित रहे। ठीक कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ डाल दिए डालने के बाद खुद के और ये सब उसको चारों तरफ से फैला देंगे, फिर बिना मतलब का इशू बन जाता है, बाद में बात के बतंगड़ बन जाता है, वो कह देगा हमारे घर सामने डाल दिए, ये किए वो किए, तो वो झगड़ा हो जाता है। इसलिए ये सब लोग ध्यान देंगे सफाई के संबंध में कि सब लोग जब नगर पालिका की टीम आप एक जानते भी होंगे किस टाइम करना रहता है उसके बाद तो ये इसको दिखवा लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई ये चीज नहीं है। शासन से तो अभी वही आया है, अभी बात कर रहा था जो साहब से सिंबोलिक ही है जो है वहाँ पे ईदगाह पे जा करके नमाज अदा करने के लिए, ताकि लोग घर में ही नमाज अदा करें। अभी भी वो सिंबोलिक ही चल रहा है, 5 है तो मान लीजिए 5 10 लोग आ गए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज हो गया, साफ सफाई हो गई, बस लाइट की बात कर लिया हूँ, लाइट मान जी हो जाएगा। और कोई इशू आप बताएं, यदि कोई और इशू हो इसके अलावा तो